बाहर से ये संघर्ष लगता है, लेकिन इसमें खुशियां भी बहुत है। अगर आप भी खुश नहीं हो तो इतना लंबा सफर नहीं कर सकते, क्योंकि कला के जरिए जितना खुश और खुशियां मुझे मिली, और नाटक के नाटक करने में और नाटक के हर पहलू में अपना जो नाम उसको अगर हम कहें कि एक तरह के जिंदगी का एक मकसद जो पूरी करनी थी, मैं उस तरफ मैं उसी राह से मैं गुजर कर होकर गुजरा, तो मुझे लगता है कि संघर्ष तो बहुत है, वो संघर्ष ज्यादातर वो संघर्ष जो है, संघर्ष दो तरह के होते हैं। एक तो यह है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, आर्थिक जो जो भी है फिनेंशियल प्रॉब्लम्स तो नाटक में रहता है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हुए भी, मतलब दूसरे जो संघर्ष है वो अपने आप एक बहुत बड़ा वो है, क्रिएटिविटी का संघर्ष, एक सृजन शक्ति का। तो उसमें क्रिएटिविटी जो है, जो भी नाटक कर रहा हूं, जो भी आर्ट की चीज में कर रहा हूं, उसमें बहुत बड़ा अलग ढंग के संघर्ष है। दो तरह के संघर्ष से होकर मैं गुजरा, लेकिन एक बात ये बहुत अहम है कि कभी मैंने मुझे फ्रस्ट्रेशन नाम कोई चीज नहीं आया, कभी मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ। हमेशा यही सोचता रहा कि आगे बढ़ो, और बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरह से मैंने काम की, मैंने सोचा, मेरे आइडियाज जो कि आज भी उसी तरह से मैं सोचता हूं, हालांकि मेरे सामने पड़े बहुत दिनों से, आज 42 साल पहले जब मैंने ये जर्नी शुरू किया था, उससे पहले तो थोड़ा सा एमेच्योर तरीके के सेमी प्रोफेशनल थिएटर करते थे। जब कोरस स्थापित हुए 42 इयर्स, तब से ये प्रोफेशनलिज्म के बारे में मैंने सोचा था कि मैं प्रोफेशनल रेपर्टरी करूंगा, कंपनी चलाऊंगा। तो लेकिन उसमें ये हुआ ये कि जब मैंने सोचा था, तब मैंने ये सोचा था कि आर्ट एंड कल्चर का जो भी वो है प्रॉब्लम्स है, वो शायद 20-30 साल में इस मुल्क में सॉल्व हो जाए, ये मैंने सोचा। लेकिन कभी बदले नहीं, आज 70 साल से ऊपर हो गए, हम आजाद हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर का स्थिति वही का वही रह गए। लेकिन हम पीछे कभी हटे नहीं हैं, हमने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, आदमी जब वो मान ली प्रोफेशन, मैंने प्रोफेशन रेपर्टरी चलाने हैं, तो दो तीन जो चीज है उसको तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप नाटक करते हैं तो नाटक में कोई भी मतलब फिल्म की तरह ये इंडस्ट्री बनना या कमर्शियलाइजेशन होना और बहुत पैसे करोड़ों की उसमें खेलना, वो जो है वो बहुत दूर की बात है, और ये बहुत क्लियर। और दूसरे ये मैं कहता था
मेरे एक्टर्स थे जब हम शुरुआत की, मैंने कहा और एक जो है इमेज जो बहुत पॉपुलरिटी इमेज, ये आपका नाम होगा ये होगा, मतलब ये छोड़ देनी चाहिए क्योंकि नाटक में काम करने वालों का नाम नहीं होता है, कभी हुआ ही नहीं, कोई बड़ा नहीं हुआ, कभी फिल्म स्टार नहीं बन सकता वो। कुछ हद तक वो पॉपुलरिटी थोड़ा सा मतलब जो नाटक की कम्युनिटी है वो शायद वो जान पाए, नहीं तो आगे नहीं है। हालांकि इसमें ये है कि अगर आप बहुत आगे करके आप तो देखिए, मैंने कोरस रेपेटरी थिएटर का कितना बड़ा कम्प्लेक्स देखेंगे बनाए, इसमें एक पैसे सरकार के लिए, अगर सरकार नहीं दे रहे तो क्या अपना एक जो है घोसला नहीं बनाएंगे क्या? ये अपना घोसला है जो कि बनाना है, क्योंकि मैं एक चिड़िया के तरह छोटा सा, तो घोसला उसका बनेगा ही बनेगा, ये सोचकर मैंने घोसला बनाया है अपने। 25 साल लगे हैं उसको बनाने में, ऑडिटोरियम, ये सारे गार्डन, ये वो एग्जीबिशन हुए, सब बनाने में था 25 साल लगे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, अगर पैसे होते तो एक साल में हो जाता सब, लेकिन 25 साल इसलिए लगे कि जितने भी परफॉर्मेंस के फीस हैं उसमें से एक्टर को देने के बाद जितना बचता है उसी से बने। देखिए हमारे इस मुल्क में जब से मतलब आजादी मिले कितने कमिटीज बने हैं कल्चर पॉलिसी के, अक्सर कमिटी से आज तक कितने कमिटीज बने, मैं भी कैद कमिटी में मैं भी खुद मौजूद था, लेकिन वो कमिटी पॉलिटिकल, जब जब भी सरकार है इंप्लीमेंट करने के लिए सोचे तो झिझक गए, पीछे हट गए, नहीं किया, कुछ ने देखा उसने तो कुछ उसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दिए, इस तरह से चलता रहा और कई कमिटी के कई रिकमेंडेशंस तो कल्चर पॉलिसी के हमारे वो मतलब खराब होता चला गया, उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, सिर्फ उनके पास एक क्या कहते हैं एक सोच मतलब दिखा रहे हैं कि हम भी सोचते हैं कल्चर के लिए, लेकिन उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन आज तक हुआ ही नहीं। अब देखिए जब सिविल पे कमीशन आ गए इस मुल्क में, एक आर्टिस्ट का सैलरी अगर 6,000 रुपया हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? अगर हम कहें तो वो कहेंगे कि ये तो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, ये तो फलाना वो राजनीति वाला मतलब पार्टी का लोग होगा, इस तरह से सोचते हैं। सोच ये है और यही होता रहा है, यही कल्चर है हमारा, दिमाग न लड़ाने का कल्चर, उसमें मतलब यही कल्चर हमने पाया है आजादी के बाद कि कल्चर के लिए आप इन कल्चर के लिए दिमाग मत लगाओ, ये कल्चर और इसे आगे तो बहुत अगर मैं बात करना शुरू करूंगा तो बहुत पहलू, कुछ भी नहीं हुआ। एक मुल्क जिसके धरोहर मतलब सिर्फ आर्ट एंड कल्चर है, और ये प्रक्रिया ये जो परंपराएं ये हजारों साल से चलते आ रहे और उसके ट्रेडिशन को इसी परंपरा को मतलब कहीं ये परंपरा जो है वो आज कहां है, क्या है, वो मर गए या अभी तक जिंदा है, ये कोई ये किसी ने नहीं देखा है। कितने गुरु आए, कितने जीनियस आए, आकर वो चले गए, किसी ने नहीं देखा, एक पेंशन नहीं मिला उनको,
दो रुपया नहीं मिला, ये वाली बात है इस मुल्क में। तो ये कल्चर की बात हम करते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं। वो कल्चर जो है वो पॉलिटिक्स के लिए बना दिए गए हैं कि आप कीजिए, और कल्चर में पता नहीं क्या क्या घुसा देते हैं और क्या करेंगे हमें तो नहीं पता। लेकिन स्थिति ये है कि आज इस महंगाई में एक एक्टर को अगर 6,000 रुपया देंगे तो उसके बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से उनके जूते, उनके मोजे, उनके उनके एजुकेशन का पढ़ाई के बैग कहाँ से लाएंगे, क्या खिलाएंगे। तो यही मतलब बनाया है और हम उसमें पीसते रहे। ये तो इंक्रोचर तो आ गए हैं ना, हो गए, इंक्रोच कर गए हैं। हर जगह देखिए, हर जगह आप देखिए कि कौन कौन डांस के साथ कौन कौन डांस मिक्स हो रहा है, फ्यूजन रीमिक्स कौन सी मतलब इसके साथ हर जगह। और हमारे ट्रेडिशन जो खूबसूरती है ट्रेडिशन का, चाहे वो फोक हो, ट्रेडिशनल हो, क्लासिकल हो, उनका एक एस्थेटिक्स होता है, सौंदर्य बोध तो हैं, वो हमारे ज़िंदगी के साथ जोड़ते हैं। और वो ज़िंदगी जो है, जब हम जोड़ते हैं ज़िंदगी के साथ, हमारे खान पान जो आप कह रहे हैं, हमारे उठना बैठना, खान पान, हमारे बोलना चलना, ये सारे चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ट्रेडिशंस जितने भी हैं, तो उसको मतलब उसका एक्सेप्ट, सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया था। अब वो सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि रिमिक्स हो, ये फ्यूजन हो, ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादातर, ग्लोबलाइजेशन क्या है, हमारे आइडेंटिटी जो है, हमारे परिचय जो है, उसको मतलब ख़त्म करेंगे, ये वाली एक ट्रीट है ग्लोबलाइजेशन के साथ। कहीं भी तो एक, सब लोग एक हो जाएंगे, सब लोग ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन हमारे परंपराएं जो हजारों साल से चलते आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, उसके ऊपर नज़र डालना हमारे सोसाइटी का बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे बाद में। ये जो है एक ट्रीट है बहुत बड़ा। पहले हम वेस्टर्नाइजेशन सोचते थे, अभी हम ग्लोबलाइजेशन सोचते हैं, है ना। यू सी, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड हु हैव गेन्ड द मोमेंटम ऑफ यू नो रिकमेंडेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ रीजनल थिएटर। जितना हमारे रीजनल थिएटर स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, उतना कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अगर कोई भी नेशनल लेवल का कोई भी फेस्टिवल हो रहा हो इस मुल्क में, उसमें अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल कॉन्टिंजेंट आएगा, ग्रुप आएगा, कंपनी आएगा, तो वो रीजनल ही आएगा, वो रीजनल उससे आता है। और यही हमारे परंपरा रही है थिएटर में भी। तो ये रीजनल थिएटर जो है वो हमारे नेशनल थिएटर होता है, अगर वो पावरफुल इनफ हो तो वो नेशनल थिएटर है। तो वो नेशनल थिएटर के जो आइडेंटिटी है वो रीजनल थिएटर से बनता है। इसलिए मतलब हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है whether it is regional theater, whether it is national theater, लेकिन थिएटर में जो भी फिनेंशियल एस्पेक्ट हैं उसको पूरी करने के लिए रीजनल थिएटर के पास उतना वो नहीं है, पोटेंशियलिटी नहीं है, सोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी करते चले जा रहे हैं। और फिर भी आज जो
हमारे थिएटर का अगर आइडेंटिटी हो, नेशनल आइडेंटिटी, ओरिजिनल थिएटर से ही बनता है। तो हर नाटक में ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, हर नाटक में ऐसा ही हुआ है। और मुझे लगा कि एक नाटक करने के बाद, बहुत बड़े नाटक हुए, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किए, और करने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, ये क्या हो गया, ये तो बहुत सारे चीज़ें रह गए। नाटक करने में बहुत मज़ा इस बात के हैं कि ये सिर्फ ये जो थीमेटिक कंटेंट को बोल देना या उसके डायलॉग को बोल देना या प्लॉट को बोल देना ही काफ़ी नहीं है, लगातार उसको कैसे किस ढंग से पेश आना है और उसका जो भी मूवमेंट है, उसके नए तरह के मूवमेंट, नए तरह के डायलॉग के रेंडरिंग, नए तरह के म्यूजिक, नए तरह के लाइट, नए तरह के हर प्रोडक्शन में डालना, हर प्रोडक्शन के में उसके लिए सोचना जो है, और एक्टर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम हर प्रोडक्शन में अलग अलग होना, ये सारी जो चीज़ें हैं यही मतलब परफेक्शन की ओर ले जाते हैं। लेकिन परफेक्शन कभी नहीं होता है, वो रह जाता है और दूसरे मतलब जर्नी में, यात्रा जो हम करते हैं दूसरे नाटक के साथ, तभी जाकर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, और उसके बाद वो भी रह जाता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। और प्यास कभी नहीं बुझती है, ये प्यास जो है सदा पूरे जीवन रहेगा मेरे हाथ में।